हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल SRS लर्निंग में। जैसा कि आपको पता ही है, अब कंपटीशंस का दौर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी ही DSSB का पेपर आने वाला है और DSSB के जनरल पेपर में जो फर्स्ट पेपर होता है, जो सभी के लिए कॉमन है, उसका एक मेन पार्ट होता है जो 20 नंबर का आता है इंग्लिश लैंग्वेज का। उसमें एरर्स ज़रूर आते हैं और ये एरर हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें इंग्लिश ग्रामर का पूरी तरीके से ज्ञान ना हो। उसी संदर्भ में मैं आज एक छोटा सा प्रयास लेकर आई हूँ। आज हम इंग्लिश ग्रामर का आरंभ आर्टिकल्स से करेंगे। आर्टिकल्स वैसे तो एक छोटा सा टॉपिक है और बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं जो कि हमें बड़े होने तक समझ में नहीं आ पाती। हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे दा क्यों लगा है या यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं लगा है या ए कहाँ लगता है या एन कहाँ लगता है। तो उसी संदर्भ में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आरंभ करते हैं आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स तीन हैं हमारे, ए, एन एंड द। आर्टिकल्स के बारे में जो अब तक का हमें पता है जनरल रूल, वो ये है कि एन इज़ यूज्ड विद वोवल्स। एन का यूज़ हम वोवल्स के साथ करते हैं, दैट इज़ ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे कि एन एप्पल, एन ईगल, एन आइसक्रीम एंड एनीथिंग एल्स जो भी हम आसपास देखते हैं। और इसी तरीके से ए का जनरल यूज़ है कि ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं, यानी कि वो अल्फ़ाबेट्स जो कि वोवल्स से अलग हैं, जैसे कि बी, सी, डी, इसी तरीके से दूसरे लेटर्स, जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि ए बैट अ काउ। लेकिन मेनली हमारा जो रूल है वो ये है कि सिर्फ कॉन्सोनेंट वर्ड या वोवल वर्ड्स को हमें नहीं देखना। हम एन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर वोवल्स का साउंड भी आ रहा हो, यानी कि अ, आ, ई, ई, ऊ, ओ, यानी कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर आरंभ होते हैं आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ए, वो साउंड्स अगर एक शब्द हमें दे रहा है, एक वर्ड हमें दे रहा है, तो उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एन आवर। अब आवर में हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है एच से, एच ओ यू आर। यहाँ पे अगर हम जनरल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये एच है जो कि कॉन्सोनेंट वर्ड है। जनरल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए आना चाहिए, बट यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लगा है, एन। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं आवर, एच ओ यू आर को हम किस तरह से साउंड करते हैं, आवर, तो यहाँ पे वो वर्ड क्या दे रहा है हमें, अ। और उस अ साउंड, ये अ साउंड हमारी वोवल साउंड है जिसके साथ हम एन का यूज करते हैं। इसी तरीके से एन एम एल ए, एम यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, बट वो साउंड क्या दे रहा है, एम, ए, एम, एम, यानी ए क्या है, ए एक वोवल साउंड है, इसलिए उसके साथ हम एन यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट का साउंड देने वाले वर्ड्स के साथ करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे ए वन आइड पर्सन, तो यहाँ पे हालांकि ओ है, ओ से स्टार्ट है वन, ओ एन ई वन, ओ एक वोवल वर्ड है अकॉर्डिंग टू द रूल, यहाँ पे हमें एन का यूज़ करना चाहिए, बट हमने क्या यूज़ किया है, ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ एन ई वन साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, यानी हमारी हिंदी वर्णमाला में क से लेकर ज्ञ तक जो साउंड्स आते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स मानते हैं, और अगर कोई इंग्लिश वर्ड उन कॉन्सोनेंट वर्ड्स की साउंड देता है तो उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ नहीं करते, बेशक वो वोवल वर्ड से ही स्टार्ट क्यों ना हो। उसी तरीके से अगर कोई वर्ड वोवल वर्ड की साउंड दे रहा है, जैसे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर ओ तक, हम इन साउंड्स जहाँ पे ये साउंड्स आती है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, बेशक वो वर्ड कॉन्सोनेंट वर्ड से ही स्टार्ट क्यों ना हो। जैसे कि हमने अभी देखा आवर, ऑनर, ये हालांकि एच से स्टार्ट है जो कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन इनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं क्योंकि वो साउंड किसकी दे रहा है हमें, एक वोवल साउंड दे रहा है। नाउ यूज ऑफ द, अब द आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं।
जनरली हम द का यूज़ किसी यूनिक पर्टिकुलर और डेफिनेट थिंग्स के साथ सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ करते हैं, जैसे कि द अर्थ, द बेस्ट बॉय, द गोल्डन रिंग। इसके साथ ही जहाँ भी कहीं कोई पर्टिकुलर चीज़ आए वहाँ पर भी हम द का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी, देयर इज़ अ बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, द बिल्डिंग हैज़ मोर देन 200 रूम्स। यहाँ पहले मैंने ए का यूज़ किया बिल्डिंग के साथ, जबकि दूसरी बार मैंने द का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि पहले जब हम जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वो एक नॉर्मल बिल्डिंग है, कि मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग है। सेकेंड, उसमें मैंने उसके साथ द का यूज़ किया क्योंकि यहाँ मैं उस बिल्डिंग की बात कर रही हूँ जिसके बारे में मैं पहले सेंटेंस में मेंशन कर चुकी हूँ, यानी यहाँ ये बिल्डिंग एक पर्टिकुलर चीज़ हो गई है, पर्टिकुलर बिल्डिंग हो गई है। तो इस तरह पर्टिकुलर चीज़ों के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। गोल्ड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मैटर एंड द गोल्ड ऑफ कर्नाटक इज़ वेरी फेमस। यहाँ पहले हमने गोल्ड के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया क्योंकि गोल्ड एक मैटीरियल नाउन है और मैटीरियल नाउन्स के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन बाद में मैंने इसके साथ यूज़ किया द गोल्ड ऑफ कर्नाटक। क्यों? क्योंकि यहाँ उस गोल्ड की बात की जा रही है जो कर्नाटक का है। इस तरीके से यहाँ पर ये गोल्ड एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया, एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया जिसके साथ हम किसी भी पर्टिकुलर या डेफिनेट चीज़ के साथ हम द लगाते हैं। वी यूज़ द विथ सम नेम्स, जैसे कि न्यूज़पेपर्स के नेम्स के साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। रिवर्स के नेम के साथ हम द यूज़ करते हैं, द गंगा, द नील, द अमेजोन वगैरह वगैरह। ट्रेन्स या एरोप्लेन्स के नेम्स के साथ, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। नेशनैलिटी वर्ड्स के साथ, द इंडियंस, द इंग्लिश, द यूरोपियंस वगैरह। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम द यूज़ करते हैं, द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम। बिफोर द नेम ऑफ एनी इन्वेंशन, जैसे कि द रेडियो, द टेलीफोन। होली रिलीजियस बुक्स के नाम के साथ हम द वर्ड यूज़ करते हैं, द रामायण, द कुरान, द वेदास, द गुरु ग्रंथ साहिब एक्सेट्रा। विद टाइटल्स, टाइटल्स यानी जब किसी पर्सन को कोई टाइटल दिया जाता है तो उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। आप बचपन से ही लिखते आ रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन में, टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ हमने प्रिंसिपल एक टाइटल है और उसके साथ हम किसका वर्ड यूज़ कर रहे हैं, द का। तो जैसे कि द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द प्रिंसिपल। विद द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी एक्सेट्रा। विद फिजिकल पोजिशंस, फिजिकल पोजिशन यानी हमारी जो बैठने की या उठने की, खड़े होने की स्थिति है वो कैसी है, उसके साथ भी हम द यूज़ करते हैं, द बैक, द फ्रंट, द टॉप, द सेंटर, द इनसाइड, द आउटसाइड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ, इस तरह से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ पर क्लियर हो जाती है ये बात कि कहाँ हम ए, एन और द का यूज़ करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर हम ए, एन और द का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सी जगह हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ हम इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते और उन्हें इंग्लिश ग्रामर में गलत माना जाता है, दैट इज़ एन एरर। जैसे कि वेयर डू वी नॉट यूज़ आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं करते। फर्स्ट, विद प्रॉपर नाउन्स, हम प्रॉपर नाउन्स के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे राम, दिल्ली, आगरा और इसी तरीके से किसी कोई भी अदर प्रॉपर नाउन है उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बिफोर लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह। बिफोर प्लूरल नाउन्स, जैसे काउज, बॉयज, बफेलोज, जो भी प्लूरल नाउन्स होते हैं हमारे। बिफोर गेम्स नेम्स, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इनके साथ भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बिफोर मंथ्स एंड डेज नेम, संडे, ट्यूसडे, जनवरी, दिसंबर, मार्च, मई वगैरह वगैरह, इनके साथ भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बिफोर मटेरियल नाउन, जैसे गोल, सिल्वर, इनके साथ हम, इन सब चीज़ों के साथ, यानी कि प्लूरल नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब के साथ हम किसी भी आर्टिकल